आजादी मार्च में जब जुमा की नमाज का वक्त आया तो मौलाना फजलुर रहमान ने दुनिया की अनोखी नमाज पढ़ा डाली। ये वाहद नमाज थी जिसमें नमाज पढ़ने वाले आगे और नमाज पढ़ाने वाला पीछे था। इस वीडियो में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मौलाना फजलुर रहमान का कंटेनर पीछे और नमाज पढ़ने वाला साहब मुक्तदी इसके आगे नमाज पढ़ रहे हैं। ये सब ड्रामाबाजियां इस्लाम को भी नहीं छोड़ रही। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा मुल्ला है जिसने हर मौका पर मजहब कार्ड खेलकर इस्लाम को बदनाम किया। हामद मीर जैसे गद्दार सहाफ़ी भी खाकी वर्दी पहनकर मौलाना के दरना में आ गए थे। मौलाना फजलुर रहमान एक ऐसा मुल्ला है जो इस्लाम को बदनाम करने में और 22 नंबर बंगला हासिल करने के लिए किसी किस्म की कोई कसर उठाने से कासर नहीं रहा। इंडियन मीडिया चीख चीख कर मौलाना फजलुर रहमान के धरना को खूब कवरेज दे रहा है, मगर सारी दुनिया ने देखा कि ये मुल्ला जुमा की नमाज के अंदर इस तरह की नमाज पढ़ा रहा है जिसकी मिसाल आज तक दुनिया की तारीख में नहीं मिलती। ये एक ऐसी जमात थी जिसमें मौलाना फजलुर रहमान पीछे और इनके नमाज पढ़ने वाले साहब मुक्तदी इसके आगे नमाज पढ़ रहे थे। अस्तग़फ़िरुल्लाह।